हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पंजाबी मक्की की रोटी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसके लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो है मक्के का आटा, अजवाइन, शुद्ध घी, नमक एवं पानी। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए हमें कुनकुने पानी की आवश्यकता है। सबसे पहले हम पानी को कुनकुना करेंगे। ये तपेली गैस पर रखेंगे, इसमें पानी डालेंगे और गैस चालू कर लेंगे। हल्का सा कुनकुना पानी हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे और ये मक्के के आटे को ही हम गूंदने के लिए थाली में डालेंगे। ये हमारा पानी कुनकुना हो गया है, गैस बंद कर दी है। अभी आटे में सबसे पहले इसमें नमक डालना है, हमें थोड़ा सा नमक, आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी अजवाइन, और इसको हम मलेंगे। इसको अच्छे से लेस लानी चाहिए इसमें। आटा थोड़ा थोड़ा मलना चाहिए ताकि वो लेस बनी रहे उसमें। अब इसके दो परत करेंगे, दो पेड़े करेंगे छोटे छोटे। और इसमें घी लगाएंगे, इसको ऐसे परत, दो परत मिला के ये अपना सूखे आटे का, यदि चिपकता है तो सूखे आटे की इसका धूड़ा लगाना है। अब हम गैस चालू करते हैं। तवा ऊपर रखेंगे, तवा गर्म हो जाएगा फिर हम रोटी को तवे पे डालेंगे। इस पे थोड़ा सा तवे पे घी लगाएंगे। ये हमारा तवा गर्म हो गया है तो हम इस पे घी डालते हैं। दोनों साइड घी लगाना है और मध्य मध्य आंच पे इसको सेकते रहना जब तक गुलाबी ब्राउन ना हो जाए। ये हमारी अब बस चिकनी आई है, इसको हल्के से उठाना पड़ती, नहीं तो टूटने का खतरा रहता है। ये हमारी मक्के की रोटी रेडी हो गई। गैस बंद कर देते हैं और प्लेट में उतार लेते हैं। और इसमें आप घी भी ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो मक्खन भी डाल सकते हैं।
इस सर्दी में इसका आनंद बहुत आता है, सरसों के साग के साथ, गुड़ के साथ ये रेडी हो गई मक्के की रोटी, और इसका आनंद उठाइए आप।